नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप T800 Ultra 2 स्मार्ट वॉच को अपने फ़ोन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसके सारे फीचर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉलिंग फीचर के बारे में, आप इसमें कॉलिंग फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसको ऐप से कनेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कैसे सेव कर सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी स्मार्ट वॉच में तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा या फिर आपको वीडियो बना के ही बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको T800 Ultra 2 में ब्लूटूथ कॉलिंग करने के लिए आपको ये वाली बटन दबानी जरूरी है, क्योंकि ये वाली बटन जब आप दबाते हैं तो यहाँ पे आपका जो पैनल है वो खुल जाता है। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑडियो ब्लूटूथ मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले इसको आपको पोर्टेबल मोड या फिर इंटेलिजेंट मोड में करना होगा, यानी कि ब्लूटूथ को ऑन करना होगा, तभी आप यहाँ पे कॉलिंग फीचर को यूज कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर में शो हो रहा है। ठीक है, अब आसानी से हमारा जो है स्मार्ट वॉच हमारे ब्लूटूथ से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अपने फोन को ले लेता हूँ यहाँ पे, आपको भी अगर यहाँ पे साथ ही साथ कनेक्ट करना है तो फोन ले लीजिएगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ को ऑन करना है, तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और हमारा ब्लूटूथ यहाँ से ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही फ्रेंड्स, जो हमारा स्मार्ट वॉच है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए T800 Ultra दो तरीके से शो हो रहा है, एक तो ऐप से कनेक्ट होने के लिए शो हो रहा है, दूसरा डायरेक्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे हेडफोन का लोगो भी शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिएगा, तभी ये वाली यहाँ पे शो करेगी, जिससे आप डायरेक्ट ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं बिना ऐप से कनेक्ट किए। ठीक है, और यहाँ पे सीरी फीचर को भी आप यूज कर पाएंगे, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पेयर करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप पेयर कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कनेक्ट फॉर कॉल एंड ऑडियो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर सेटिंग पे आप क्लिक करते हैं तो कॉल और ऑडियो दोनों ही आप अपने स्मार्ट वॉच से कर सकते हैं, ऑडियो को सुन सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको सबसे पहले कॉलिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम कॉल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम 1, 2, 3 पे कॉल करने वाले हैं, ताकि हमारा कॉलिंग यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आसानी से कॉलिंग फीचर वर्क कर रहा है और हमारा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इतनी साउंड आपको इसमें मिल जाती है, यहाँ से आप साउंड को घटा बढ़ा भी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से आप कॉल को काट भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आपकी कॉलिंग फीचर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हम कॉलिंग फीचर को आसानी से यूज कर पाएंगे, साथ ही हम सीरी को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हमको इसमें सीरी का जो फीचर मिल जाता है यहाँ से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो AI वॉइस है एंड्रॉयड में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीरी वर्क करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेहरे के पास ले जाके यहाँ पे आप जो बोलिएगा वो यहाँ पे सब कुछ लिख जाएगा आपके फोन में। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है, तो आप सीरी को भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप ये दोनों फीचर यूज कर पाएंगे डायरेक्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको ऐप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि इसके सारे फीचर्स को हम यूज कर पाए। तो सबसे पहले हमको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ऐप डाउनलोड करने का जो QR कोड है आपको स्मार्ट वॉच में भी मिल जाएगा या फिर बॉक्स पे भी यहाँ पे आपको शो हो जाता है। हाई वॉच प्रो ऐप से ये कनेक्ट होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको QR कोड भी यहाँ पे मिल जाता है, आसानी से स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम यहाँ से प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करने वाले हैं, तो प्ले स्टोर को खोल के और सिंपली आपको सर्च बार में यहाँ पे हाई वॉच प्रो लिख लेना है। लिखते ही फ्रेंड्स ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी, जिसकी 4.1 की रेटिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमको ये वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो सिंपली हम इंस्टॉल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हाई वॉच प्रो जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। आपको भी डाउनलोड करने के बाद सिंपली ओपन करना है। तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है यूजर प्रोटोकॉल को एग्री करने के लिए, तो आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ भी सकते हैं, अन्यथा आपको एग्री तो इसको करना ही पड़ेगा, तो एग्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लोकेशन को अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो अलाउ कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो ऐप है वो खुल जाएगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कनेक्ट करने के लिए सेट पे क्लिक करना है, क्योंकि होम पेज में आपकी यहाँ पे टुडे एक्टिविटीज शो करेंगी,
जो आपका यहाँ पे मॉनिटर करेगा स्टेप, यहाँ पे हो गया डेस्टिनेशन, कैलरीज, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। सेट पे क्लिक करके आप अपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं और इसके सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। मिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉकिंग, रनिंग, बाइकिंग आप कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। माइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, यूजर प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे सेट पे क्लिक करना है। सेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है बाइंड डिवाइस टू एक्सप्लेन मोर फीचर पे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलेगा आपको नियर बाई डिवाइस को अलाउ करने के लिए, तो अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद लोकेशन को ऑन करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लोकेशन को ऑन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लोकेशन ऑन हो जाने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर से यहीं पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका स्कैन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो स्मार्ट वॉच है उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे T800 अल्ट्रा शो हो रहा है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे बेस कनेक्शन होगा, टाइम सेटिंग होगी, यूजर प्रोफाइल सेटिंग होगी, टारगेट सेटिंग हो जाएगी हमारी, तो सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा स्मार्ट वॉच यहाँ पे देखिए कनेक्टेड शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सारे फीचर्स को आप यूज कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अलार्म मिल जाएगा, सीट एंट्री रिमाइंडर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप अलार्म लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और यहाँ पे मिनट, टाइम और दिन यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा, अलार्म आपका लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे फाइंड का फीचर मिल जाता है, यहाँ पे आपको कैमरे का फीचर मिल जाता है, तो यहाँ से आप एग्री कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा कैमरे को, उसके बाद यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा फोटो वीडियो उसको, तो यहाँ से आप अपने स्मार्ट वॉच से फोटो खींच सकते हैं अपने स्मार्टफोन में। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और फोटो खींच जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फीचर आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप का, फेसबुक का नोटिफिकेशन लेना चाहते हो, कॉल का यहाँ पे मैसेज देखना चाहते हो अपने स्मार्ट वॉच में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेज पुश का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉल रिमाइंडर मिल जाता है, इसको यहाँ पे आपको ऑन करना है, तो यहाँ पे एग्री कर दीजिएगा। उसके बाद अलाउ कर दीजिएगा, कॉन्टैक्ट को भी अलाउ कर दीजिएगा, यहाँ पे इसको भी अलाउ कर देना है फोन को। उसके बाद यहाँ पे सेट सक्सेसफुली हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। SMS को भी आप कुछ इसी तरीके से ऑन कर सकते हैं, अलाउ कर दीजिएगा SMS को, तो ये भी ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक को ऑन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन एक्सेस देना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ओपन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन एक्सेस में लेके चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे हाईवॉच प्रो ऐप यूज कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से अलाउ कर देंगे, ऑन कर देंगे, अलाउ कर देंगे, तो ये ऑन हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आपको बैक चले जाना है, उसके बाद यहाँ से आप आसानी से ऑन कर सकते हैं जिसको जिसको आप यहाँ पे ऑन करना चाहते हैं, जिसका जिसका मैसेज आप देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं अपने स्मार्ट वॉच में। ठीक है, तो आपको ये फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, प्लस पे क्लिक कीजिएगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक कर करके एक एक करके अपना कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिएगा तो कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेट सक्सेसफुली लिख के आ गया है, तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट को भी सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायल सेटिंग की। अगर आप यहाँ पे डायल को चेंज करना चाहते हो या फिर अपना फोटो लगाना चाहते हो, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डायल देखने के लिए मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो अगर आपको इसको लगाना है या फिर आपको अपना फोटो लगाना है, तो यहाँ पे आपको किसी को भी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली हम इस पे टैप करेंगे, टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये शो हो जाएगा। तो अगर आप यही वाली वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यही लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपना फोटो लगाना है तो यहाँ पे चेंज द डायल पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी आपके फोन में खुल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से अपना फोटो सिलेक्ट करना है, जो फोटो आप लगाना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ से ये वाली फोटो लगाना चाहता हूँ, तो इस पर हम सिंपली टैप करेंगे। टैप करते ही फोटो बड़े साइज में आ जाएगी, तो आपको यहाँ से छोटा बड़ा कर लेना है अगर करना चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पे आपको सही पे टिक कर देना है, टिक करते ही फोटो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए टाइम यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपका टाइम आपके फेस पे शो कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से आप टाइम को नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे टाइम शो करेगा। जहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइम कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, जिसी तरीके से आपको यहाँ पे शो करेगा, जिस पे क्लिक कीजिएगा उसी तरीके से शो करेगा। ठीक है, तो टाइम का पोजीशन आप सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे गॉट इट का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अपग्रेडिंग स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे भी शो कर रहा है हमारे स्मार्ट वॉच में भी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये 100% होगा, हमारा ये फोटो हमारे स्मार्ट वॉच में शो करने लग जाएगा। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमारा फोटो साफ नहीं शो कर रहा है, तो आपके डिस्प्ले के हिसाब से ही आपका फोटो आपके स्मार्ट वॉच में शो करेगा।
फिर भी आप चाहते हैं कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो आए तो आप फोटो की एमबी कम रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो की एमबी आप कम कर सकते हैं। 100-200 केबी का फ़ोटो रहेगा तो आपको यहाँ पे साफ दिखेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे ये पूरा हो गया है, अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है। हमारा स्मार्ट वॉच एक बार बंद होकर चालू हुआ और फोटो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो आपका भी फोटो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप कोई सा भी फोटो यहाँ से लगा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब अगली सेटिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमको रीसेट डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप रीसेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रिमूव डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे रिमूव भी आप कर सकते हैं। अदर्स पे क्लिक करके आप वाइब्रेशन को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, जो कि ऑन ही रहता है पहले से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद ओटीए अपग्रेड, बैकग्राउंड सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग आपको मिल जाती है। तो इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने आपको बता दिए हैं, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।